पर्यटन तेल उत्पादन प्रमुख देशों की नीतियां व मौसमी स्थितियां संकेत दे रही हैं कि खाद्य तेलों के दामों में अब आगे मंदी की संभावना नहीं है। सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया ने 25% तेल का उपयोग घरेलू स्तर पर और नए ईंधन में करने की नीति लाई है। मौसमी प्रभाव ला नीनो के असर से आने वाले साल में प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों का उत्पादन भी प्रभावित होता दिख रहा है। ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन घटने से अनुमान से सी बोर्ड सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में तेजी बरकरार रही। एजेंसी स्टोन एक्स ने ब्राजील सोयाबीन उत्पादन अनुमान घटाकर 126.5 मिलियन टन लगाया है। वहीं चीन ने 1.32 लाख टन सोयाबीन की खरीद की है। ईरान ने 60,000 टन सोया मील खरीदने का टेंडर जारी किया है। दक्षिणी अमेरिका में फसल की चिंता के कारण सोयाबीन फ्यूचर्स 2% से ज्यादा उछलकर 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दक्षिणी अमेरिका में फसल कमजोर रहने से अमेरिकी सोयाबीन की निर्यात मांग बढ़ती नजर आ रही है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि शिकागो सोया तेल वायदा जल्द 75 सेंट तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर्तमान में 66 सेंट के आसपास है। तमाम विदेशी संकेतों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं कि अब सरकार खाद्य तेलों के दाम कम करने के लिए फौरी उपाय नहीं करना चाहती है। फिलहाल दाम घटाने की कोई घोषणा भी नहीं की गई है। इसके पहले सरकार के किए गए उपायों का असर बाजार पर आया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।